गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन का जो बीज दादाजी ने बो दिया है, वह बीज आज हर क्षेत्र में देखने को मिलता है साथियों। क्योंकि हम लोग कहीं प्रचार भी नहीं करते और किसी को बताते भी नहीं है कि हमें गंडक में सम्मेलन है, वहां जाना है। इसके बावजूद हमारे साथ आज कम से कम सोनभद्र जिला से 20 गाड़ियां लोग भर करके आए हैं, लगभग 300 की संख्या में। उसी प्रकार से इलाहाबाद से भी 50 की संख्या में आए हैं, उसी प्रकार से मिर्जापुर से भी लगभग 60 की संख्या में आए हैं। और दादाजी के इस आंदोलन में कूद पड़ो। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की समस्याओं को गिनाए, उसी प्रकार से साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में भी समस्याएं बहुत ज्यादा इस समय योगी सरकार में जकड़ लिया है। साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में उपा गांव में आदिवासियों को सामूहिक रूप से गोलियों से भुना गया है साथियों, जिसमें हमारे आदिवासी निहत्थे थे, कोई औजार नहीं लिए थे, एकाएक अपनी जमीन पर कब्जा करने के नियत से जो लाठी डंडा और बंदूक लेकर के ट्रैक्टर लेकर के आए थे, उनको रोकने के लिए गए थे। उन लोगों को साथियों, उन लोग जो सरकार के नुमाइंदे थे, जिन लोगों ने शासन प्रशासन के साथ मिले हुए थे, उन लोगों ने जो है मिलकर के वहां के आदिवासियों को, निहत्थे आदिवासियों के ऊपर गोली चला दिया, जिससे हमारे आदिवासी 11 लोगों की मृत्यु ऑन स्पॉट वहीं पर हो गया साथियों, और शेष 19 लोग घायल थे साथियों। और उन लोग पूरी योजना बना लिए थे, शासन प्रशासन को भी बता दिए थे, वहां पर एक 100 नंबर आठ है प्रशासन को बताने के लिए, उस पर भी जो है फोन करके सूचना बताया गया। इसके बावजूद घटना घटित होने तक कोई भी आला अधिकारी उस जनपद का या वहां का कोई नेता आदिवासियों को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ साथियों, जब तक कि घटना घट नहीं गई। इस प्रकार का जो है हमारे उत्तर प्रदेश में भी आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमला होना शुरू हो गया है साथियों। पूरे देश के आदिवासी लोग इस पर जो है एक्शन लिए, जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, हम लोगों ने भी उग्र आंदोलन चलाए। इसके बाद शासन प्रशासन के लोग फिर उठे, अंत में मजबूर होकर के मुख्यमंत्री को आना पड़ा साथियों, नहीं तो हमारे आदिवासियों को देखने के लिए सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है साथियों। इसलिए आदिवासी लोग आज दादाजी के नेतृत्व में जो अभियान छेड़ा गया है साथियों, शासन सत्ता पर कब्जा करने के लिए, उस पर जो है हमें शासन सत्ता पर जो है कब्जा करना ही होगा, नहीं तो हमारा जो है जमीन को लुटाया ही जा रहा है साथियों। हमारे जान पर भी, पूरे आदिवासी समाज के जान पर भी खतरा मंडरा रहा है साथियों। इसलिए आपको दादा हीरा सिंह राम जी ने जो है झंडा और डंडा दिया है, इस झंडा और डंडा को आप जो है अपने घरों में जरूर रखिए, और झंडा और डंडा लेकर के किसी भी शिकायत को लेकर के शासन प्रशासन के पास अगर जाते हैं या किसी पार्टी पूर्वा के नेता के पास भी जाते हैं, तो उसको लेकर के जरूर जाइए, ताकि मौके में आप कुछ कुछ मुकाबला जरूर कर सके, और हमारे पूरे समूचा गुंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता लोग भी दौड़ करके वहां पर जाएंगे, और हम ऑन स्पॉट उनसे जो भी एक्शन लेना हो
हम लोग जो लेने के लिए तैयार है साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं गुंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आप सबको जय सेवा, जय भारत, जय गुरु।